तरह हैगा कि असी जिहड़ियां पहलां गाइडलाइनस इशू कीतियां सीगियां उन्हां च काफ़ी गाइडलाइनस ते उही सब जिहड़ियां पहलां ऑलरेडी इशूड हैगियां उह रहिणगियां। नवीं गाइडलाइनस जिहड़ियां इह सी वी जिहड़ियां कुछ दुकानां नूं लै के कन्फ्यूजन सी कि कुछ दुकानां जिहड़ियां ने आ खुल्लणगियां आ नहीं खुल्लणगियां, आ असेंशियल आइटम्स ने ये नॉन असेंशियल आइटम्स ने, क्योंकि सारे ही मार्केट्स तो और दुकानदारों वालों ये सानू आ रहा है कि भी ये वितकरे वाली गल है कि भी उन्होंने खुलन दे रहे हैं सानू खुलन नहीं दे रहे तो साड़ा नुकसान हो रहा है। सो सरकार वालों ये फैसला लिया गया कि जिलावार ये फैसला ले लिया जाए अपने जिन्हें भी जो ट्रेड यूनियनज ना उन्होंने गलबात करके और लोकल लीडरशिप के नाल गल करके। सो असी सारे ने विचार वटांदरा किया है, पुलिस ऑफिसर्स नाल भी असी उन्हां दी राय ली है, सारे ट्रेडर्स उन्हां दी राय लैके असी ये फैसला लिया है कि ज़िले अमृतसर दे विच जिहड़ा है वह दुकाना रोटेशन बेसिस ते सारियां ही खुलणगियां, लेकिन वो रोटेशन बेसिस ते खुलणगियां। रोटेशन बेसिस दा असी सिस्टम यह बनाया हैगा कि एक दिन जिहड़ा है तुहाडा सज्जा पासा दुकाना दी एक लेन खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी लेन खुलेगी और उहदे विच असेंशियल नॉन असेंशियल जिहड़ियां सारियां खुलणगियां। सिर्फ कुछ एक कैटागरी दियां शॉप्स जिहड़ियां ने जिहदे विच पेरिशेबल आइटम्स ने जिस तरह दुध फ्रूट वैजीटेबल्स इन्हां नूं सारे दिन जिहड़ा है खुलण की आग्ञा दी गई है क्योंकि इन्हां दा समान 24 घंटे च खराब हो जाता है। सो राइट लैफ्ट की रोटेशन के नाल पूरे जिले च दुकानां खुलणगियां। कई थावां दे उत्ते जिथे कोई इको ही लेन है या कोई मार्केट का है जिथे कोई सज्जा खब्बा करन चुक लिखा पैंदा है उत्थे 50% अद्धियां दुकानां ही खोलन दी आग्या होएगी और उहदे लई असी अमृतसर जिले दे 37 थाने ने 20 अरबन ते 17 रूरल हर एक थाने दे विच संबंधित SHO समान और सिविल वालों एक सैक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैगे ने और जिहड़ी दी देख रेख जिहड़ी है अर्बन एरिए साढ़े एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ते DCP लॉ एंड ऑर्डर, रूरल दे विच ADC D एंड साढ़े SP हैडकुआटर रूरल और सब डिवीजन ते SDM सिमान अपने हल्का DSPs दे नाल जिहड़ी है इस तरीके नाल सारी सुपरविजन करनगे और सारे सैक्टर मजिस्ट्रेट्स अपने अपने एरिए च इंश्योर करनगे कोई भी दुकान इस रोटेशन बेसिस तो अलावा ना खुले और जिहड़ी कोई भी दुकान जे तुहानूं उत्थे मौके ते पाई जांदी है कि अज इन्हां दी वारी नहीं सी लेकिन दूसरे बन्ने वाली दुकान भी खोली है, इहदे विच स्पष्ट तौर ते दस्या गया कि उस दुकान नूं असीं फिर सील करांगे, घट्टो घट्ट एक महीने लई दुकान दी सीलिंग होएगी। सो आपां नूं इस चीज़ नूं बड़ी जिम्मेवारी दे नाल खुद देखना पैणा है और सारे दुकानदार वीर इस चीज़ नूं इंश्योर करन कि अपनी अपनी जिहड़ी लेन हैगी है ताकि सारयां दा काम कार, क्योंकि कई जिल्यां ने सिर्फ 1 बजे तक रख्या है, असी पूरा 9 तो सवेर तो लैके शाम 5 बजे तक का जिहड़ा तुहाडा हैगा पूरा टाइम दिता है ताकि लोग अपनी बिक्री कर सकन और उन्हें टाइम च भी कंसट्रेंट नहीं किया ताकि एकदम भीड़ ना पवे, लेकिन सज्जा खब्बा इस करके कर लिया कि ताकि उत्थे बाजारां च जिहड़ा रश पैंदा हैगा उहदे च काफ़ी जिहड़ी है कटौती हो सके। सो उम्मीद हैगा कि इस ऑर्डर दे नाल जिहड़ा है एक बैलेंस भी बन जाएगा और सारा नूं एक मौका भी मिलेगा और जिहड़ी लॉकडाउन वाली स्थिति वल नूं आपां जा रहे हैं उहदे तों भी इहदे नाल आपां बचाव कर सकते हैं। सो उह एक उपराला किया गया हैगा जिला अमृतसर दे विच और बाकी इह च हदायतां इह च ऑर्डर किया गया है, इह ऑर्डर नूं असीं वैबसाइट दे उत्ते भी पा दिता है और इहदे च सारा कर दिता है और इह च सवेरे जिहड़े पार्कां च सैर वगैरह करन दी गल है उहदे बारे भी कहा गया कि तुहाडी लोकल फैसिलिटी के अंदर जिहड़ा कोई पार्क है केवल उत्थे तुसीं अपनी वॉक लई उह जिहड़े टाइम्स ने उहनां जिहनां लई जा सकते हैं और वॉक भी ग्रुप्स नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रख के कर सकते हैं, उत्थे सांझे तौर पर ग्रुप बना के लाफ्टर क्लब योगा इहो जिही एक्सरसाइज नहीं होणगियां जिथे लोग पार्कों च इकट्ठ करनगे, ना ही इकट्ठे बैठ के उत्थे ताश खेडना या ये चीज़ा भी अलाउड नहीं होणगियां। सो बाकी सारिया शर्तां जिन्हां दे विच जिहड़ा है नैगेटिव रिपोर्ट दूजे जिलों चो जिहड़े बाहरों आ रहे सूबे तो 72 घंटे वाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाउणा, सरकारी जिहड़े दफ्तर ने प्राइवेट बैंकां लई जिम और वो सारे जिहड़े बंद ने वो पहलां वांगू वो सारियां हदायतां जारी रहणगियां, केवल रोटेशनल पॉलिसी जिले अमृतसर च यह लागू की गई है। यह तुरंत प्रभाव तो जिहड़ी लागू हो के सोमवार नूं हुण सवेरे जिद्दां दुकानां खुलणगियां वो इस प्लैन के मुताबिक
ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਲੈਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।